देखो आज हम जो है आपको आपके ग्रुप पर जो है, हालांकि हम पहले आपको बता चुके वैद्य उच्छेद, ठीक है, तो आज हम दोबारा फिर बता रहे हैं वैद्य उच्छेद क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग दोबारा से वैद्य उच्छेद। ठीक, वैध क्षेत्र क्या होता है, देखिएगा, ये मान लिया हमारे पास कोई आवेश है, धन आवेश, ठीक है, और इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र पैदा हो जाता है, ऐसे एक क्षेत्र पैदा होता है, और इस क्षेत्र में ये हम कोई परीक्षण आवेश मान, क्या नाम है, परीक्षण आवेश, ये इसे वो धन परीक्षण आवेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि परीक्षण आवेश पर हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जब किसी, हमारा कोई मान लीजिएगा मेरे पास कोई एक आवेश है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र पैदा हो जाता है जिसमें कोई हम जो है अन्य धन परीक्षण आवेश लाने पर, ठीक है, एक धन परीक्षण आवेश लाते हैं तो एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आखिर कैसे होता है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, फोर्स लगेगा इधर की हो जाएगा बाहर की, तो कैसा हो गया आपका आकर्षण। अब मान लो यही आपका नेगेटिव आवेश होता, नेगेटिव चार्ज होता, ऐसे करके फील्ड इसकी फील्ड हो गई, है ना, और यहाँ भी हम रखते हैं टेस्ट चार्ज क्यों, तो यहाँ पर कैसा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कैसा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो कैसा फोर्स लगता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना, इसमें कैसा लगता है आपका प्रतिकर्षण बल, यहाँ कैसा लगता है आपका आकर्षण बल, यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई आवेश है ना, ये कोई आवेश है, ठीक, तो किसी आवेश पर इसमें अगर हम कोई एक अन्य आवेश रख दें तो वह जो है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, ठीक। अब मान लो कोई जगह इसको बंद करने से कर दिया, हमने बंद कर दिया इसको, ठीक है, फिर भी इस पर जो है एक फोर्स काम कर रहा है, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं चार्ज है या कहीं कोई आवेश है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र पैदा हो जाता है जिसके कारण उस क्षेत्र में कोई एक अन्य आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखो ये क्षेत्र दूर भाग रहा है, भाग रहा है दूर, ठीक, क्यों भाग रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो क्षेत्र बाहर की ओर जा सकता है, अनंत तक, बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है ना, और जहां पर क्षेत्र नेगेटिव होता है, ठीक, जहां पर जो है आपका ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वहां पर क्षेत्र टूवर्ड्स यानी अंदर की ओर आता है, ठीक है, ये बात भली बात समझ लो, जहां पर जो है धन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पर क्षेत्र बाहर की ओर रहता है, और जहां पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर क्षेत्र अंदर की ओर रहता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारा ये होगा कि जब ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है आपका वैद्युत क्षेत्र। नहीं लिखा हो पहले साल, नहीं लिखा होगा तो लिख लो, जो नहीं लिखा होगा देखो डाल लो हेडिंग वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, लिखो वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई अन्य आवेश, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण आकर्षण अथवा अथवा
प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र के। ठीक है, आप लोगों ने नेक्स्ट पढ़ें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हालांकि कुछ बच्चों मैंने पढ़ा चुके इसको। ठीक है, तो इसका पहले हम देखते हैं फॉर्मूला, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट क्या है हमारा? टेस्ट चार्ज, परीक्षणार्थी, धन परीक्षणार्थी। यहां लिख दें हम आपका ये वेक्टर एफ क्या है, वेक्टर एफ जो है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला। ठीक है, और क्यू नोट क्या है तुम्हारा? धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण। ठीक, ये दो बातें आप लोग समझ लो। वेक्टर एफ क्या है आपका? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और क्यू नोट क्या है आपका? धन परीक्षण। ठीक, अब देखो ये क्यू नॉट बराबर वन हो जाए, एकांक, वन का मतलब एकांक, तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ, या कह सकते हैं ई बराबर एफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर एक हो जाए तो ई का मान एफ के बराबर हो जाए। एक क्या हो जाए? एकांक धन पर, ये धन परीक्षण आवेश का मान क्या हो जाए? एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनी? वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ आई ई एल डी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये डालो हेडिंग, फिर आगे फिर आपको समझा के लगाते हैं। डालो हेडिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो एकांक, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो नई लाइन से, देखो यदि, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नोट, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल वेक्टर एफ है, वेक्टर एफ है, तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नोट, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नोट, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, ठीक, आप लोग नीचे, इसका मात्र क्या होगा? बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। इसका क्या होता है? कूलम। तो इसका मात्र न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम तथा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बल का होता है एम एल टी पे पावर माइनस टू, कूलम का होता है एटी, बना लो तो बन गया एम एल टी पे पावर माइनस थ्री ए पे पावर माइनस वन। इसका विमीय सूत्र एम एल टी पे पावर माइनस थ्री ए पे पावर माइनस वन होता है। ठीक है,
और लिखो आगे, तथा यह एक सदिश राशि है, तथा यह एक सदिश राशि है, ठीक है। अगलो नोट देखो, नोट देखो, अभी हमने बताया इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसके लिए इसका मात्रक ये भी होता है वोल्ट प्रति मीटर। कैसे होता है, ये मान लो दो प्लेट हैं, विभांतर मान लो भी ये बड़ा है, आपने ये दूरी मान लो आप, विभांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, दूरी का मात्रक क्या होता है देखो नोट, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है, क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक। आप देखो नेक्स्ट, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट, ठीक है। ये मान लो आपका कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है कि छोटा चार्ज, ठीक है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, और यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया, ठीक, जिस पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कूलाम के नियम के अनुसार ये क्यू नॉट पर एक बल काम करेगा, दूरी क्या है स्मॉल आर, ये मान लो आप आवेश क्यू वन, ये मान लो क्यू टू, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा एफ इक्वल के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलाम के नियम के अनुसार। अभी हमने क्या पढ़ा, पी बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ा, एफ पर रख दो मान, पी बराबर क्या हो गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो ये क्या आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हो गया न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक, ठीक। के का मतलब जानते हैं ना, के का मान होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के का मतलब होता है। तो इस फॉर्मूला का ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ आर, ई क्या है वन अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ग्राफ खींचे इसके बीच में ई और आर के बीच में ग्राफ खींचे, ये ई है आर, तो हमें इस तरह का ये ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। और यहां लिखेंगे हम ई प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जो है इसका मान स्क्वायर घटता है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पर का, ठीक है, अनंत तक फैला रहता है, तो अब मान लिया हमने यहां पर ये क्या लिखा है हमारा जत्था फॉर्मूला E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हमने मान लिया कि आर इक्वल अनंत, मान लो यह तो अनंत रखो तो जीरो आ जाएगा, तो E बराबर जीरो। इसका मतलब ये हुआ अगर दूरी बहुत अनंत है तो अनंत दूरी पर जो है R का मान क्या होगा, तो E का मान क्या होता है जीरो। बात समझ में आ रही आपकी, ये क्या है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी दूरी मान लो R दूरी पर कोई पॉइंट P है उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर रख दिया टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ये हो जाएगा E बराबर क्या होता है F on Q नॉट, मान रख दिया सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या है E इनवर्सली स्क्वायर ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा तुम्हारा एक पैराबोला बन गया, ठीक है, ये सब ग्राफ बनेगा इसका, ठीक। अब हमने देखा कि E बराबर क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर का मान इनफाइनाइट हो जाएगी बहुत दूर तक फैल जाएगी, ठीक है, बहुत दूर चला जाइए, ठीक है ना चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर ई का मान क्या हो जाएगा जीरो, अनंत पर जो है तीव्रता कैसी होती है जीरो, अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है, ठीक। अब इसका ई का डायरेक्शन देखा जाता है, ठीक है, डायरेक्शन मैं पहले बता चुके आपको, और समझना चाहो समझो डायरेक्शन, ठीक है, हल्का समझ लीजिए डायरेक्शन। ये मान लीजिएगा आपका प्लस चार्ज है प्लस क्यू है, तो ई का डायरेक्शन से दूर इधर दूर जाएगा,
पहले बता चुके हैं, ठीक है। और यही यही दिशा होती है आपकी विद्युत बल की, ये भी ध्यान रख, जो दिशा आपकी वैद्युत क्षेत्र की होगी वही दिशा आपकी वैद्युत बल की होगी, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो आपका नेगेटिव चार्ज है तो मैंने बताया ना टू वर्ड्स यानी वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, है ना। अर्थात देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। ऋणावेश की ओर होती है धनावेश से, ठीक है। आज इतना ही, कल इसके नेगेटिव कराओ, ठीक है।